नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देखें पल पल। कांग्रेस पार्टी देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के पिछले कई दिनों से सरकार पर हमलावर है। इसी के चलते आज सिरसा में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों से हो रही बढ़ोतरी को लेकर के एक अलग ही अंदाज में अपना विरोध जताया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सिरसा के सुभाष चौक में एकत्र हुए और उन्होंने एक मोटरसाइकिल को रेडी पर लाद दिया। वह अन्य कार्यकर्ता अपनी मोटरसाइकिलों को पैदल ही लेकर के चले और रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं युवा कांग्रेस के सिरसा के अध्यक्ष पंकज चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पंकज ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को मंदी और महंगाई की आग में झोंक रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और इसी बढ़ रही कीमतों पर, तेल की कीमतों पर लगाम लगाई जाए। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। आज प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया है, सिरसा यूथ कांग्रेस की तरफ से, और हमारी मांग यही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं, निम्न स्तर पर हैं, पर आज हमारा, हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल तो लगभग 100 रुपये के करीब होने को हो रहा है और डीजल लगभग 80 रुपये के करीब हो रहा है, और ये सब भाजपा की देन है। और भाजपा सिर्फ एक बड़े पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए देश को मंदी और महंगाई की उसमें आग में झोंकने का काम कर रही है। और ये हमारी मांग यही है कि पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं और इन पे, इनको जीएसटी के अंदर लाया जाए, जो कांग्रेस की सदा से मांग थी भी, इनको जीएसटी के अंदर लाया जाए तो जिससे तेल की कीमतों में नियंत्रण रहे। कांग्रेस की सरकार में सब लोग जानते हैं कि बैरल प्रति डॉलर 140 तक पहुँच गया था, पर कांग्रेस की सरकार में कभी 60-65 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं गया। और आज आलम यह है कि 60-70 रुपये बैरल प्रति डॉलर चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, पर अभी तो उसके बाद भी आज 100 रुपये के करीब पेट्रोल हो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। यूथ कांग्रेस इसका विरोध करती है, इसी को मार्फत हमने आज हमारी मोटरसाइकिलों को घसीट कर इसका विरोध प्रदर्शन किया।